सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, मैं एमएल गोदारा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं 10 विनाशकारी कीटों में शामिल होती हैं सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का अटैक लगभग हर फसल व कोई भी बागवानी में होता है। सफ़ेद मक्खी किसानों की सबसे ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, वो इनके रोकथाम जैविक विधि से व रासायनिक विधि से कैसे रोकथाम करें व अपनी फसल को बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो किसान भाई इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिल सके। किसान भाई, ये सफ़ेद मक्खी 2006 से किसानों को नज़र आने लगी व इनका जिक्र भी करते हैं। इससे पहले इनका इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता था। किसान भाई काफ़ी सारे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, इसके लिए फिर भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई और हमने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हमने सफ़ेद मक्खी के बारे में नहीं जाना, ना इसके बारे में जानकारी थी और हमें पता भी नहीं था कि पौधों के साथ इसका क्या संबंध है, इसका कैसा व्यवहार है, ये सब जाना ही नहीं और हमने सीधा इसको मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग करने लगे। सफ़ेद मक्खी के बारे में जाने तो यह एक छोटा सा कीट है। इसके सफ़ेद पंख व इनका आकार छोटा होने के कारण यह मक्खी हवा में कहीं पर भी जा सकती है। इनका जीवन काल लगभग 19 से 75 दिन के बीच में सेट करती हैं। अगर ये मक्खी 19 दिन का जीवन सेट करती है तो ये 7 से 8 दिन के अंदर बच्चे पैदा करते हैं, और 75 दिन का जीवन काल सेट करती है तो ये 34 से 35 दिन में अपने बच्चे को पैदा करने होंगे। ये मक्खी लाखों करोड़ों में बढ़ जाती है। ये मक्खी खासकर पत्तों के निचले भाग में रहती हैं और वहाँ पर अटैक करती हैं। यह मक्खी पत्तों से धीरे धीरे रस चूसकर पूरे पौधे को सुखा देती है। अगर समय रहते इसका रोकथाम ना करें तो किसान भाइयों, यह मक्खी पूरी फसल को कुछ ही दिनों में नष्ट कर देती है। किसान भाइयों, इसके रोकथाम की बात करें तो कुछ मित्र कीट जो ऐसे होते हैं जो मक्खी को संख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, यह मित्र कीट उसको खाकर ख़त्म कर देते हैं। किसान भाइयों, एक बात और, जब तक एक पत्ते पर लगभग 5 से 6 मक्खियां ना हो तब तक हमें कोई भी हानिकारक कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। हम तो 1 या 2 मक्खी दिखते ही कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं, जिससे सफ़ेद मक्खी अपनी संख्या बढ़ा देती है और कीटनाशक स्प्रे से जो मित्र कीट होते हैं वो भी फसल से बाहर चले जाते हैं या फिर मर जाते हैं। अगर कोई किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो पैसा बर्बाद ना करें। आपको स्प्रे में नीम की दवा आती है, जो नीम ऑयल से सफ़ेद मक्खी मरेगी नहीं पर इसका अटैक बिल्कुल कम हो जाएगा। मतलब आप स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी जब रस चूसती है तो नीम ऑयल से स्प्रे होगा तो ये नुकसान नहीं करेगी। किसान भाइयों, आप इस नीम की दवा को 10 से 15 दिनों बाद फिर स्प्रे करें। ये दवा सफ़ेद मक्खी के अंडे देने से रुकावट पैदा करती है और इस कारण सफ़ेद मक्खी की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। आगे हम केमिकल की बात करें तो आजकल कई प्रकार की बाज़ार में दवाई उपलब्ध हैं, पर इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि इमीडा क्लोरोप्रिड का स्प्रे ज़रूर करें और इससे सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो बाकी किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।